माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनका शपथ ग्रहण है और उससे पहले कल एक बैठक है जिसमें सारे सांसद देशभर के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी राज्यों के भाजपा शासित जो है वो सब पहुंचने वाले हैं। तो एक कल की बैठक है और परसों माननीय नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, इसी के लिए हम सब दिल्ली जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता एनडी गठबंधन के कह रहे हैं कि अभी भी बहुत ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं, आपको लगता है क्या कि अभी भी उनके लिए स्मोक है कि ये बस निकलता है? अभी तो हम लोग अब खूब मेहनत करना फिर शुरू करेंगे, तो उनको अगले चुनाव के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारी मेहनत आज से ही शुरू हो जाएगी, आज से ही जनता का सेवा शुरू हो जाएगा, आज से ही नए सिरे से काम शुरू कर ले रहे हैं और इस तरह से वो सरकार बनाने का तो ख्वाब अभी नहीं देखना चाहिए उनको। भारतीय जनता पार्टी ने ही प्रचंड चर्चा ये होगी कि उन्हें जो है अभी अध्यक्ष पद से कांग्रेस में बड़े बदलाव किए छत्तीसगढ़ में, अब ये उनका आंतरिक मसला है मैं उस पर नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मुझे ध्यान आता है कि अध्यक्ष भी हैं फिर भी इनका टिकट बस्तर में घोषणा होने के बाद कट गई थी, तो ये क्या हुआ था मसला समझने वाली बात। साथ ही ये है कि छत्तीसगढ़ में जनता अनवरत भाजपा के साथ है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। आपको क्या उम्मीद है क्योंकि अब फिर से 10 सांसद यहाँ से चुन के आए हैं, मंत्रिमंडल में जगह एक को मिल सकती है, एक से अधिक भी मिल सकता है? जितने लोगों को मिले उतना अच्छा है, छत्तीसगढ़ क्या प्रतिनिधित्व वहाँ बढ़े ये बहुत अच्छी बात, और कुछ तो होगा, जरूर होगा, कुछ अच्छा ही होगा। प्रदेश में नोटा में भी बहुत वोट हुआ, 1 लाख से ज्यादा स्तर और इस सब सीटों के सब जन सबसे ज्यादा वोट देती है। ये सोचने का विषय है, सभी पार्टियों के लिए सोचने का विषय है ऐसा क्यों हो रहा है। नोटा में वोट का जाना मतलब किसी का भी चयन नहीं होना, कभी ऐसा भी होता है, ये सोचने का विषय होता है। हाँ मतलब 8 नए चेहरों को, मतलब आप ये सोचिए कि 33% पुराने भी थे, तो पुराने और नए का कॉम्बिनेशन था भाजपा में, तो शुरू से अपन ये बात कह ही रहे थे कि पुराने नए का कॉम्बिनेशन है भाजपा में, और कहीं सिर्फ पुराने पुराने आप करेंगे तो बहुत सी बातें होती हैं, इनकंबेंसी होती है, बहुत सी मिसें होती हैं। क्या इस बात की उम्मीद की जाए कि जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, नहीं छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी इसका निर्णय करेंगे, ना हमारे सोचने का न कहने का। नहीं नहीं बस कल का ही तो मसला है, कल आचार संहिता समाप्त होगी, परसों से धड़ाधड़ सब कुछ शुरू हो जाएगा, साये साये काम चले। चुनाव प्रबंधन समिति की आज बैठक भी होने वाली है, उसके लिए क्या समीक्षा होगी? इन सभी सीटों की समीक्षा होगी, जीत की भी हार की भी, और कहीं विधानसभाओं में पीछे रह गया है उनकी भी समीक्षा होगी, इन सब बातों की, कुल वोट परसेंटेज हमारा कितना हुआ, सारी बातों की समीक्षा बड़ी तकनीकी तौर पर बहुत वैज्ञानिक ढंग से भाजपा में किया जाता है। निसंदेह मतलब जिस सरकार के चेहरे जो लोग थे वही लोकसभा चुनाव में थे, जनता ने उनको पहले भी नकारा था अभी भी नकारा है, ऐसा ही परिणाम अपेक्षित था छत्तीसगढ़ में, एक सीट और हमारा आना ही था, थोड़ा गड़बड़ हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।